धर्मनगरी प्रयागराज में लगने वाले सबसे बड़े माघ मेले को लेकर इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में संगम नगरी का नजारा कुछ दिनों के बाद एक बार फिर अद्भुत होगा। माघ मेला में आने वाले कल्पवासियों के लिए संगम किनारे रहने वाले लोग जोरों शोरों से कल्पवास की तैयारियों में जुटे हैं। माघ मेले की तैयारियों में जहां प्रदेश प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, तो वहीं संगम से सटे लोग इन दिनों कल्पवास की तैयारियों में मशगूल हैं। संगम किनारे रहने वाले कई ऐसे परिवार भी हैं, चिकनी मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं। मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले बनाकर यह कल्पवासियों को बेचते हैं, जिससे इनका गुजर बसर होता है। बताने की कल्पवास के समय प्रयागराज में एक साथ लाखों की संख्या में चूल्हे जलाए जाते हैं, जिसके इंतजार में कई परिवार रहते हैं। इन्हीं चूल्हों को बनाकर इन परिवारों का पेट पलता है। इन दिनों मिट्टी और गोबर से बनने वाले चूल्हे और उपले बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार चूल्हे का ऑर्डर देने के लिए पहले से ही श्रद्धालु कारीगरों से एडवांस में चूल्हे खरीद रहे हैं। हम प्रतापगढ़ से आए हैं 500 चूल्हों का ऑर्डर देने के लिए, और हमारे प्रतापगढ़ से भी बहुत से लोग आएंगे, उसी के लिए हम चूल्हा का ऑर्डर देने आए हैं। वजह क्या है कि पहले आप आ गए हैं, क्या वजह मानते हैं? पहले इसलिए आ गए हैं कि मेले में बहुत से लोग आते हैं तो चूल्हे जल्दी मिलते नहीं हैं, इसलिए हम पहले आ गए हैं। माघ मेले के दौरान पूरी दुनिया से कल्पवासियों का आगमन प्रयागराज में होता है। एक माह संगम की रेती में रहकर यह पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में कल्पवासियों के खान पान की व्यवस्था भी बिल्कुल अलग होती है। गंगा के किनारे टेंट में रहकर कल्पवासी पूरे एक महीने तक मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाकर खाते हैं। लाखों की संख्या में जब कल्पवासी आते हैं, उनके लिए मिट्टी के चूल्हों की डिमांड प्रयागराज के ही आसपास के इलाकों से होती है। दारागंज उनमें से एक है, जहां कुछ परिवार हैं जो मेला शुरू होते ही मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले बनाने में जुट जाते हैं। इन परिवारों का रोजगार भी यह साधन होता है और उन्हें कल्पवासियों का इंतजार रहता है। वहीं मिट्टी के चूल्हे बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि माघ मेले में जो भी कल्पवासी आते हैं, वो गैस चूल्हे में नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले से खाना बनाकर खाते हैं, इसीलिए इसकी बिक्री खूब होती है। भैया, यह चूल्हा बनता है 8-50 साल से बनता है चूल्हा, और एक दिन बिक जाता है 5-10 रुपए बिक जाता है। ये पहले यहाँ गंगा जी का मिट्टी का इसको बनाते हैं, उसके बाद जब पक जाता है तो इसको ऊपर गऊ का गोबर लगा देते हैं, जब गऊ का गोबर लगा शुद्ध हो जाते हैं, और इस मेला के लिए ये बनता है चूल्हा। 14 जनवरी के शुरू होने वाले माघ मेला से पहले ही इसे बनाने के लिए सब जुट गए हैं। मेले में आए हुए कल्पवासी इसे खरीद रहे हैं। इस बार चूल्हे का ऑर्डर देने के लिए पहले से ही श्रद्धालु कारीगरों से एडवांस में चूल्हे खरीद रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।